आपने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखा होगा, लेकिन आप इसका सच नहीं जानते। और एक वक्त था जब एल्युमिनियम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हुआ करता था, लेकिन कैसे और कैसे इस रेस्टोरेंट में लोग थप्पड़ खाने के लिए भी पैसे देते हैं। नंबर 17, क्या आप जानते हैं 19 सेंचुरी में एल्युमिनियम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हुआ करता था, क्योंकि उस समय एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इसको एक्सट्रैक्ट करना काफी आसान हुआ। लेकिन गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना जितना मुश्किल उस वक्त था उतना ही आज है। नंबर 16, ये है दुनिया का सबसे छोटा होटल। जी हाँ, अरब देश के जॉर्डन का मिनी होटल दुनिया का सबसे छोटा होटल है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद अल मलाहिम ने साल 2011 में की थी। असल में ये होटल एक कार है जहाँ एक टाइम में सिर्फ दो ही लोग रुक सकते हैं, और वो भी बहुत इंतजार करने के बाद, क्योंकि इस होटल की बुकिंग पहले ही करनी पड़ती है। और यहाँ रुकने वाले मेहमानों को एक दिन का $56 यानी कि एक दिन का लगभग 4,000 देना पड़ता है। नंबर 15, डॉक्ट्रीना AI, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, और ये आपको किसी भी एग्जाम का एक्सपेक्टेड पेपर पहले ही बता देगी, और आप इसकी हेल्प से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और आप इस वेबसाइट की मदद से डिफिकल्ट लेवल सेट करके किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 14, ये है दुनिया का सबसे पहला घड़ी, जिसे जर्मन पीटर हेनलेन ने बनाया था। हेनलेन ने इस घड़ी को 1505 में बनाया था, इसलिए इस घड़ी को लोग पोमेंडर वॉच के नाम से जानते हैं। ये घड़ी तांबे और सोने से बनाई गई थी। आज के समय में इस घड़ी की कीमत 50 से 80 मिलियन डॉलर है। नंबर 13, क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां आपके चारों ओर कैमराज आपको घूर रहे हो? जापान में एक ऐसा ही होटल है जिसमें खाना और रहना सब फ्री है, बस आपका लाइव YouTube पर चलता रहेगा। नंबर 12, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पास एक अजीब एयरपोर्ट है। अजीब क्योंकि इस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के साथ ट्रेन भी चलती है। दरअसल इस एयरपोर्ट रनवे पर बीचों बीच ट्रेन की पटरी गुजरती है, और यहाँ एक रूल बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रेन को गुजरने की परमिशन है, उसके बाद ही प्लेन को। नंबर 11, फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बुक रिच डैड पुअर डैड के थ्रू दुनिया को अमीर बनाना सिखाया है, उन पर $1 अरब से ज्यादा कर्ज है। ये बात उन्होंने खुद पॉडकास्ट में कहा है। उन्होंने अपने लोन फिलॉसफी के बारे में बताते हुए गुड लोन और बैड लोन का मीनिंग भी समझाया। नंबर 10, बैगर 288 नाम की एक बड़ी सी मशीन दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन मेड मशीन है, जिसका वजन 13,500 टन है। नंबर 9, 1958 में चीन में फसलों को बढ़ाने के लिए फोर पेट्स कैंपेन चलाया गया था, जिसका मकसद चूहे, मक्खी, मच्छर और चिड़ियों की आबादी को खत्म करना था। जब लाखों के करीब चिड़ियों को मारा गया तो इससे पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया, जिससे टिड्डे और फसलों को खाने वाले बाकी कीड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई, और इन सब ने फसलों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1959 से 1961 के बीच चीन में दुनिया का सबसे जानलेवा अकाल पड़ गया, जिसमें भूख के कारण 3 करोड़ से ज्यादा के करीब लोगों की मौत हो गई। नंबर 8, हाल ही में आपने इंडिया के बारे में बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स देखे होंगे, जिन्हें इंडिया में जो गंदगी और बैगर है सिर्फ उन्हें ही दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फ्लोरिडा जैसे बहुत फेमस जगह पर लोगों के पास घर तक नहीं है और लोग रोड पर सोते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया में कम से कम जिनके पास घर नहीं है वो बहुत सारी जगहों पर सो सकते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में ऐसा बिल बनाया जिसमें लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पर सो भी नहीं सकते, उन्हें कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। नंबर 7, क्या आप थप्पड़ खाने के लिए पैसे देंगे? सच में ऐसा हो रहा है। जापान में एक साची होकोया नाम का रेस्टोरेंट है, और यहाँ की मीनो पहने क्यूट क्यूट वेट्रेस थप्पड़ मारती हैं, जिसका चार्ज 169 रुपया है। इस रेस्टोरेंट में आप अपनी मन पसंद की वेट्रेस से भी थप्पड़ खा सकते हैं। नंबर 6, मार्केटिंग के आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई इतना डीपी कैसे हो सकता है? क्योंकि अमेरिका में अभी भी लोग इनकम का 11% डिनर के लिए खर्च कर देते हैं, जिसे देखकर केलॉग्स के सीईओ ने कहा कि इससे अच्छा तो आप डिनर में भी केलॉग्स के सीरियल ही खाते। नंबर 5, आपको पता है 20 रुपए का थर्मामीटर करोड़ों के हवाई जहाज को क्रैश करा सकता है, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है जो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पारा की एक बूंद कई टन वाले एल्युमिनियम को खत्म कर सकता है, इसलिए पारा को एरोप्लेन में ले जाने की परमिशन भी नहीं होती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं जहाज में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, आपने भी बचपन में ऐसी वाली गाड़ी जरूर ली होगी, और उस समय ये हमारे लिए किसी सुपर कार से कम नहीं, लेकिन वियतनाम के रहने वाले ट्रोंग बैन डाओ ने अपने बेटे के लिए लकड़ी की इलेक्ट्रॉनिक लैम्बोर्गिनी बनाई है। इस कार को बनाने में ट्रोंग के 65 दिन का समय लगा था, जो कि एक रिमोट से चलती है। नंबर 2, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड में इसके नाम के जैसे ही हर तरफ हरियाली होगी? लेकिन ऐसा नहीं है,
ग्रीनलैंड का 85% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। नंबर 1, टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम तो जरूर सुना होगा। असल में एक असली दुकान है जो सिर्फ शूटिंग के लिए किराए पर ली जाती है। आप यहाँ पर कुछ परचेस भी कर सकते हैं।